हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रही है। आज के दिन यानी कि स्ट्रॉबेरी मून है, आज के दिन वो क्या ट्रिक चलने वाली है या कुछ करने वाली है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कई बार हमने रीडिंग में देखा है कि आपके पर्सन जो है वहाँ से आना चाहते हैं, तो क्या वो आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगी या कुछ और करना चाहती है, कैसे कंट्रोल करेगी, क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर के, वो हम देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, आपके कार्ड निकाल लेते हैं। पहले मैंने शफल कर लिए थे यहाँ पर, तो मुझे मैजिक का सहारा लेती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं डीप में कि क्या कुछ करने जा रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर के, क्या स्टेप लेने वाली है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी मून है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो वो करने वाली है, अपना कोई दाव पेच चलाने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि अफर्मेशंस का यूज़ कर रही है, और आप तो कर ही रहे हैं अफर्मेशन का यूज़, लेकिन ढीला काम ना छोड़ें आप, नहीं तो थर्ड पार्टी जीत जाएगी और आप हार जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी डीप में चेक करने वाली हूँ थर्ड पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक है वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बीच में निश्चिंत हो गई थी, वो बहुत ही आराम से चैन से सांस ले रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से उनको जो है उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत ही उदास बैठी है, बहुत ही निराश बैठी है, और वो ये सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा। वो गॉड से प्रे करने लगी है कि गॉड किसी तरह से इसको रोक दिया जाए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जादू टोने भी कर रही है, जितना दाव पेच बैठ रहा है उसका वो करने लग रही है। यहाँ पर भी वो मैनिफेस्ट कर रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे भी आपके पर्सन को काबू किया जा सकता है, जो भी लोग बताते हैं उनको कि इस तरह से करिए, उसी तरह से वो करने लग रही है। यहाँ पर देखिए, कहीं स्नान करने के लिए जाने के लिए बताते होंगे तो वहाँ पर भी जा रही है, किसी बाबाओं के पास भी जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा जो है होप छोड़ चुकी है कि पता नहीं ये मेरे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है और अदर पर्सन इन्वॉल्व है, दोनों का यही हाल है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा अफर्मेशन का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, रात और दिन सोच रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉबेरी मून के दिन कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो रही है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इस कार्ड में वो किस तरह से जो है यहाँ पर कुछ डाल रही है इसमें। ये जो कुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या डाल रही है वो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, प्रेयर कर रही है, अपनी लिविश मांग रही है। देखिए ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रात के टाइम वो कर रही है ऐसा, वो कुत्ते इसके पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में, आप जैसे जादू टोना करते हैं ना खड़े होकर के कहीं रात के अंधेरे में, इस टाइप का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी वो पूरा जो है जोर लगा रही है, किसी पंडित वंडित के पास जाकर के वो पूछ रही है कि क्या करना चाहिए मुझे, वो पूजा पाठ करके बता रही है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हर नामुमकिन कोशिश करने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा उदास है, रातों को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रही है, रात और दिन सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास कोई पैट भी हो, और दो दो, एक कैट और एक डॉग। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में है, हद से ज़्यादा टेंशन ले रही है, वो सोच रही है कि मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी, अगर ये मुझे छोड़कर चला गया चाहे या चली गई तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी आगे। ठीक है, इस तरह से वो सोच रही है कि अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है विचार कर रही है थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसको जो भी करना पड़ रहा है, किसी ने बताया कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करो, पूजा पाठ करो, ठीक है, प्रे करो, इसी के जस्ट ऊपर देखिए ये है, ठंडे पानी से स्नान करो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके या 3 बजे उठ करके, तो वो कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ जादू टोना कर रहे हैं, वो कुछ डाल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं पंडित वो ऐसे ही वो करने लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर 60% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं।
ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसे करते हों, लेकिन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा दिखाई दे रही है कि कर रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर के और क्या कर रही है। पहले वो निश्चिंत थी, लेकिन अभी वो बहुत टेंशन में आ गई है। जैसे आप टेंशन में रहते हैं, वो उससे ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, देखिए कैसे उदास बैठी हुई, जैसे उसका कोई अपना छोड़कर चला गया हो ना, ऐसे उदास बैठी है। थर्ड पार्टी नखरे भी बहुत ज़्यादा करती है, झूठ साथ बोलती रहती कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो हर संभव प्रयास कर रही है, मतलब आपके पर्सन को रिझाने की कोशिश कर रही है, किसी तरह से वो उनको काबू किया जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, रात को उठ करके आपके पर्सन के लिए वो जादू टोने कर रही है। देखिए बार बार कार्ड आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, बार बार यही कार्ड बता रहे हैं। किसी ने बताया होगा कि ये चीज़ लेकर आओ, तब उससे करो, तो वो ढूंढ रही है। देखो कितने बारीकी से ढूंढ रही है उन चीज़ों को, और लिख लिख करके मैनिफेस्ट कर रही है। इतना तो मेरे व्यूवर्स भी नहीं कर रहे होंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए गाइस, आपको सचेत रहना है, आपके पर्सन को सचेत रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो वो कैसे आप बताओगे उनको। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने आप समझ जाएंगे, अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपसे अगर थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता हो तो आप उनको बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है गेमिंग खेली जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है, वो क्या एक्शन लेंगे आपको लेकर के। चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको छोड़कर गए थे, उसके बाद से वो भ्रम की स्थिति में थे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, लेकिन उनको कौन समझाए, हर चीज़ की तरफ दौड़ना, हर चीज़ की तरफ जाना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उसके बाद में जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, मूव ऑन कर गए, तो उन्होंने अपने आप को क्लोज भी कर लिया। थोड़े दिन के बाद में उन्होंने अपने आप को क्लोज कर लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब आपसे वो दूर हुए, थोड़े दिन तक तो उन्होंने इधर उधर भटकना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को क्लोज कर लिया, और उसके बाद में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने चीज़ों को एनालाइज़ किया। जब वो लोगों को देखने लगे, लोगों से मिले कि ये सब कितने खुश हैं लेकिन मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, तो उन्होंने चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि कहाँ कमी रह गई है। देखिए पहले उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी धीरे धीरे मिलने लगेगी, क्योंकि उन्होंने पहले आपको ब्लॉक कर रखा था। अगर वो आपसे बात करेंगे नहीं तो क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसलिए उनको पहले क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। वो आपके साथ में अभी नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अभी वो अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लॉक कर रखा है यहाँ पर, और एक पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, चाहे आपने किया हो चाहे आपके पार्टनर ने किया हो, इसीलिए उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जगल भी कर रहे हैं, हो सकता है कि जॉब करियर में और अपने लाइफ में वो जगल कर रहे हों पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपने या उन्होंने ब्लॉक किया था, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप हो सकता है कि कास्ट रिलीजन डिफरेंट हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी की जो मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको जो है कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और आपसे एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, जो इससे पहले उन्होंने कभी किया नहीं। वो सब कुछ करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की अभी जो फ़िलहाल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो तो आपकी तरफ जो है
एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। एंजल्स प्लीज गाइड मी। देखिए आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। अभी उनके कर्मात जो है क्लींज हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, वहाँ से उनका जो है साइकिल कंप्लीट हो गई है, इसलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। एडिक्शन है उनको आपका, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, बाय बाय।